अगर आप 1000 के अंदर एक अच्छा सा ईयरबड ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 उन ईयरबड्स के बारे में जो 1000 के अंदर मिलने वाला है। देखिए 1000 के अंदर तो आपको बहुत सारे ईयरबड मिल जाएंगे, बट 1000 के अंदर में आपको एक बढ़िया सा ईयरबड मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम आज उन टॉप 5 ईयरबड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको 1000 के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएगा। पहले नंबर पे आता है आपका D5 ग्रेविटी G। इसमें आपको 13 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है और 50 hours का आपको इसमें बैकअप मिल जाता है। इसमें आपको जो बेस है वो बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। जो इसमें टच सेंसर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसमें क्विड माइक का यूज किया गया है, यानी इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसकी अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये इवन 1100 के अराउंड, यानी 1000 के आसपास या 1100 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। अगर आप 1000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा जा सकते हो तो आपको ये बढ़िया सा ईयरबड्स देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों फिर आता है बोट का ATOM 81। इसमें भी आपको 13 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है और ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है। अगर दोस्तों बात कर लिया जाए बोट के ईयरबड्स का, तो ऑनलाइन बिकने वाले सबसे ज़्यादा ईयरबड्स बोट के ही होते हैं। इसमें भी आपको क्यू माइक मिलता है और ENX टेक्नोलॉजी है, तो आपका इसमें कॉलिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है इस ईयरबड में। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और चार्जिंग पोर्ट के जस्ट सामने आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात कर लिया जाए तो आपको 1000 रुपये इसका प्राइस है। और फिर आता है पीटरॉन का Z1। इस ईयरबड का जो डिजाइन है वो गेमिंग स्टाइल डिजाइन का जैसा है। इसमें 13 mm का आपको ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है एंड 40 hours का आपको इसमें बैकअप मिलता है और इसमें ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात कर लिया जाए तो 850 रुपये इसका प्राइस है। एंड चौथे नंबर पे है ओराइमो का आपको रोल बड्स। इसमें आपको डायनेमिक साउंड मिलता है और 13 mm का आपको ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है। टाइप सी चार्जिंग केस है और चार्जिंग केस के सामने एक इंडिकेटर है। इसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाता है एंड इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसकी ईयरबड्स की बैटरी की बात कर लिया जाए तो 4 hours का आपको इसमें बैटरी बैकअप मिलता है एंड चार्जिंग केस के साथ 12 hours का आपको इसमें बैकअप देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल इसका प्राइस निकल के आता है 790 रुपीज़, यानी 800 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। एंड अब जो ईयरबड्स आता है वह है BTG X1। इस ईयरबड में आपको RGB लाइट देखने को मिल जाता है जिससे ईयरबड्स और भी ब्यूटीफुल दिखने लगता है। इसमें आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाता है। इसमें आपको क्वाइट माइक मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसमें 12 mm के ड्राइवर्स और 48 hours का बैकअप मिल जाता है। एंड इवन इसका जो प्राइस है वो है 1100 रुपीज़। अगर दोस्तों आपका बजट 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 1100-1200-1300 के अराउंड भी है, तो आपको मैं एक पर्सनली एडवाइस दूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, नॉइस का 103 बड्स। दोस्तों इसको मैं 1.5 साल से ज़्यादा से यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपका 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका जो बजट है तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि नॉइस का जो बड्स है जो 103, मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ 1.5 साल से, तो आप ये भी ले सकते हो अगर आपका बजट 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो। और ये थे टॉप 5 जो ईयरबड्स 1000 और 1100 के अराउंड आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।